इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस वक्त की एक बड़ी और बहुत दुखद खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। ममता बनर्जी के भाई का कोरोना की वजह से निधन हो गया है। ममता के भाई असीम बनर्जी कोलकाता के एक अस्पताल में भर्ती थे। कई दिनों से उनका इलाज चल रहा था, लेकिन आज उनके निधन की दुखद खबर आई है। असीम बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के छोटे भाई थे। पवन नारा इस पर और ज्यादा डिटेल के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, कब से असीम बनर्जी की तबीयत खराब चल रही थी? पिछले चार दिनों से असीम बनर्जी की तबीयत खराब चल रही थी, जिसकी वजह कोविड बताया जा रहा है। कोविड की कॉम्प्लिकेशंस के तहत उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। कलकत्ता का एक निजी अस्पताल है मेडिका हॉस्पिटल, जहां वो पिछले चार से पांच दिन इलाज के अंदर थे, लेकिन आज अभी एक घंटे पहले ये खबर आई है कि उनका देहांत हो गया है। बता दें कि बंगाल में भी पूरे देश की तरह कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और अब ये खबर कि मुख्यमंत्री के भाई की कोविड से मौत हो जाना दिखाता है कि कोरोना किसी में फर्क नहीं करता। और सचमुच भयंकर स्थिति, या कहें कि जिस स्थिति में जब कोरोना पेशेंट होता है तो काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और उसी में, और ये बड़ी बात आपने कही कि किसी में फर्क नहीं करता, छोटे बड़े में, और सब कोरोना के शिकार हो रहे हैं, और सबसे बेहतरीन इसका इलाज यही है कि सावधानी बरती जाए। बहुत बहुत शुक्रिया पवन हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोरोना हुआ तो कैसे होगा बच्चों का इलाज? क्या अब वैक्सीन से ही बचेंगे बच्चे? डॉक्टर्स से जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।